हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज है वो चल रही है, और सीमेंट चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने लाइम चैप्टर जो था वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो अभी मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप जो सीमेंट और लाइम को पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक को उठाइए और उसमें से उसके MCQs लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपको पता ही लगता जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन या मेरे जो नोट्स हैं उसमें से क्वेश्चन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम चैप्टर करेंगे, उस चैप्टर का नाम है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपने पास मोर्टार। देखो, बेसिकली जो मोर्टार है ये आप सबको पता होगा कि क्या होता है, तो आज हम इसका जो इसके बारे में है जितने ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोर्टार का मतलब ही क्या है। मोर्टार देखो दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, पानी तो डालेंगे साथ में, दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। मेन जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने पास एक सीमेंट है और दूसरा क्या आ जाएगा, फाइन एग्रीगेट आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, रिप्रेजेंट द पेस्ट, ये एक पेस्ट है फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। देखो, पानी डालेंगे, अब सीमेंट में जब हम पानी डालेंगे, इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट। देखो, मैंने बताया आपको बाइंडिंग मटेरियल, मैंने यहाँ पे सीमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मोर्टार में अगर हम लाइम बाइंडिंग मटेरियल डालेंगे तो भी वो मोर्टार कहलाएगा, अगर जिप्सम डालेंगे तो भी वो मोर्टार कहलाएगा, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले एक डेफिनेशन को हम रीड आउट कर लेते हैं फिर से एक बार। वो कह रहा है, इट रिप्रेजेंट द पेस्ट फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो बाइंडिंग मटेरियल शुड बी क्या, लाइम हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, जिप्सम हो सकता है। ठीक है, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट मतलब क्या, सैंड या फिर सुर्खी। ठीक है, अब वो कह रहा है मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का मतलब ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स, ऐसा लिखा जाता है। तो याद रखना, मैट्रिक्स कौन किसको कहते हैं, जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल हो ना उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो सकता है, सीमेंट भी हो सकता है, लाइम भी हो सकता है। प्लस अडल्ट्रेंट, इसका मतलब क्या होता है, अडल्ट्रेंट का मतलब फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट शुड बी सैंड, सुर्खी, मेनली हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, सैंड होता है। प्लस वाटर क्या देता है हमें, मोर्टार। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, मतलब देखो हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स प्लस अडल्ट्रेंट प्लस वाटर क्या देता है हमें, मोर्टार देता है। ठीक है, अब मेरे पास मोर्टार आ गया, अब मैं इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ब्रिकवर्क में यूज कर सकता हूँ, मैं प्लास्टरिंग में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं फिनिशिंग में यूज कर सकता हूँ, मैं बड़ी सारी चीजों में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं वो एप्लीकेशंस में पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी देखिए, अब जो कह रहा है कि जो बाइंडिंग मटेरियल हमारा यूज हो रहा है वो क्या है, सीमेंट है, लाइम है। अब एक अडल्ट्रेंट यूज हो रहा है, अडल्ट्रेंट मतलब क्या, हमारे पास फाइन एग्रीगेट आए थे। अब वो कह रहा है कि जो फाइन एग्रीगेट है, ये नोट में पॉइंट लिखा है मैंने, फाइन एग्रीगेट वो कैसा होना चाहिए और उसमें क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है सैंड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार मस्ट बी, वो कह रहा है जो सैंड यूज हो रही है मोर्टार की प्रिपरेशन के लिए वो क्या क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेटिव मैटर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए उस सैंड में कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स या फिर वेजिटेटिव मैटर्स उसमें मिक्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ में कमी हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा उसका और मिक्सचर भी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी उससे क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सैंड क्या होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। देखो ये भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनर्ट मटेरियल, ये भी एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो केमिकली इनर्ट का मतलब ही है कि वो क्या करे, रिएक्ट नहीं करना चाहिए किससे, जो भी बाइंडिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट करेगा तो भी हमारे पास क्या करेगा, स्ट्रेंथ पे हमारे पास क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो हमारी सैंड है वो कैसी होनी चाहिए, वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। सैंड हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से ग्रेडेड होनी चाहिए। ठीक है, वेल ग्रेडेड होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स। ये और क्या बोला मैंने, जो सैंड है वो क्या होनी चाहिए, सॉल्ट से फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री वाला सॉल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, सपोज उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है तो क्या होगा, एफ्लोरेसेंस कॉज करेगा। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम कर देगा, वाइट पैचेस कर देगा, मोर्टार थोड़ा सा क्या बनेगा, वाइट पैच, एफ्लोरेसेंस कॉज हो जाएगा मोर्टार में। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया मोर्टार के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगर मैं आप बात कहूं तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो सैंड हम यूज करते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्या करता है। अब मैं ऐसा अगर मैं कहूं मोर्टार, मैं सिर्फ सीमेंट को बोलूं, सीमेंट पेस्ट से ही अपना प्लास्टरिंग करना शुरू कर दूं, सीमेंट का जो पानी में डाल के उससे अपना ब्रिकवर्क करना शुरू कर दूं, वो भी कर सकते हो, क्योंकि हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं वो तो वैसे ही लगाते हैं ना, जो वॉल पे टाइल्स लगाते हैं, तो वो भी कर सकता हूं। बट अब वो कह रहा है कि किस पर्पस के लिए यूज होता है सैंड, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, सैंड इन मोर्टार इज यूज टू सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। देखो, जो सैंड यूज हो रही है मोर्टार में वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसा हमें क्या फायदा हो रहा है कि जो हम सैंड यूज कर रहे हैं उसके जो
क्या पर्पस है मोर्टार के अंदर वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है स्ट्रेंथ पर्पस। देखो सैंड जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा, गलत मत ले लेना, जो सैंड है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट वो क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है किसकी, स्ट्रेंथ की। अगर मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपने पढ़ा होगा रेशो, जैसे हम बताते हैं 1:4, 1:3, 1:6, इस तरह से रेशो आपने पढ़ा होगा। तो अगर मुझे क्या करना है, अगर मेरे को स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, सैंड की रेशो कम कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रेंथ घटानी है तो मैं क्या करूंगा, सैंड की रेशो को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो वो एक टाइप का क्या कर रहा है, रीएडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेंथ विच कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज प्रोपोर्शन। देखो मैंने आपको बताया कैसे, ठीक है। तो मतलब क्या पर्पस है इसका, स्ट्रेंथ की रीएडजस्टमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या पर्पस है, नेक्स्ट क्या पर्पस है, सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है वो, देखो सैंड डालने से क्या होता है ना, वो जो बाइंडिंग मटेरियल है, जो भी बाइंडिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, सीमेंट कर रहे हैं, लाइम कर रहे हैं, उसको वो लेयर्स में डिवाइड कर देता है, लेयर्स में डिवाइड करता है, और उसका सरफेस एरिया क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जहां पे मुझे जहां पे क्या करना है, मोटार को लगाना है, वहां पे क्या करता है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। थर्ड आ गया बल्क। अब अगर मुझे अकेले सीमेंट मोटार यूज करना है, सीमेंट की बात करूं, सीमेंट पेस्ट को यूज करना है, कोई भी पेस्ट यूज करनी है, तो वहां पे उसका जो मुझे कॉस्ट भी काफी पड़ जाएगा, मुझे बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, और थोड़ा सा बल्क भी, उसमें वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। तो सैंड डालते ही उसका दोनों काम मेरा कर देगा, पहला काम करेगा उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, और उसके कारण मेरा सीमेंट भी कम लगेगा, और मेरे लिए वो क्या होगा, कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस करेगा कॉस्ट को। तो वही बोल रहा है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड देयरफॉर रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट, मतलब कि सैंड की वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, सॉरी सैंड डालते ही जो मिक्सचर बन रहा है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मेरी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आ जाता है श्रिंकेज। देखो श्रिंकेज में क्या करता है, सैंड डालते ही वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, श्रिंकेज को क्या करता है, रिड्यूस करता है बाइंडिंग मटेरियल में। अब अगर श्रिंकेज ही कम हो गई, मेरी श्रिंकेज कम होगी, तो मतलब मेरे जो क्रैक्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। तो एक बात बता दूं आपको, मोटार में जब मैं सैंड डालूंगा वो क्या करेगा, श्रिंकेज को कम करेगा, देयरफॉर रिड्यूसिंग द टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक, जिसके कारण क्या होगा, मेरे पास क्रैक्स भी अपने पास क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग। देखो सेटिंग पे क्या करता है ये, सेटिंग पे ऐसे करता है, जैसे अब मेरे पास अगर सिर्फ पेस्ट पड़ी है, जैसे ही मैंने उसमें सैंड्स डाला, तो जो उसमें वॉइड्स हैं उसमें क्या फील होती है, गैसेस फील्स होती हैं, तो वो क्या करेगा, उसकी गैसेस को क्या करता है, हेल्प्स इन एस्केप ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस को बाहर निकालता है, एंड देयरफॉर रिजल्ट इन यूनिफॉर्म सेटिंग ऑफ मोटर, मतलब जो उसकी सेटिंग होगी ना मोटर की, वो एक यूनिफॉर्मली होगी, जितनी होने उतनी होगी, ठीक है। अगर मैं सैंड नहीं डालूंगा तो वो क्या होता है, उसकी सेटिंग टाइम पे क्या हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गए, कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स मैंने आपको करवाए, जो क्या बताते हैं कि भाई जो हम सैंड यूज करते हैं मोटार में वो क्या क्यों करते हैं, और क्या क्या पर्पस होते हैं उनके। तो कल को आपको अगर कोई पूछेगा भाई बताओ हम मोटार में सैंड क्यों डाल रहे हैं, तो आप जल्दी से उनके बता सकते हो, स्ट्रेंथ वाला पर्पस है, सरफेस एरिया वाला है, बल्क वाला है, कॉस्ट वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉस्ट वाला बता दो किसी को तो वो खुश हो जाएगा, भाई इसने मेरी कॉस्ट बचा दी। उसके बाद क्या है, कॉस्ट वाला है, उसके बाद अपने पास श्रिंकेज वाला है, उसका सेटिंग वाला है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास इसके सारे पर्पसेस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, देखो अब जो मैंने आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या करेंगे हम करेंगे जो मोटार हम यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसा होना चाहिए, वो क्या क्या करता है, ठीक है। पहला अगर बात करूं, इट शुड बी चीप। मोटार की प्रॉपर्टीज क्या है, इट शुड बी चीप। चीप मतलब क्या, सस्ता नहीं होना चाहिए, सीमेंट सस्ता लगाओगे ना, मतलब उसका जो मिक्सचर है, जो मोटार का मिक्सचर है वो क्या करेगा, जो हमारी बिल्डिंग बन रही है उसकी कॉस्ट को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है वो मोटार। जो ऐसा नहीं कर सकता कि मोटार की क्या करें, सीमेंट की रेशो को बढ़ाते जाए और सैंड कम कर दें। तो एक प्रॉपर जो रेशोज है वो मैं आगे आपको टेबल बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कौन सी रेशो का हमने क्या क्या यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। तो इट शुड बी चीप, इट शुड बी ड्यूरेबल। क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या आता है, कैपेबल ऑफ कैरिंग द डिजाइन स्ट्रेसेस। अब जो स्ट्रेसेस पड़ रही हैं उस पर, उसको रेजिस्ट करने के लिए भी होना चाहिए, उसको उठाने के लिए होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा चीप के चक्करों में हम क्या करें, जो स्ट्रेसेस उस पर पड़ रही हैं उसको क्या करें, फेल कर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग गुड एडहेशन विद द बिल्डिंग कंपोनेंट्स।
अब जैसे मुझे एक बात बताओ, मोर्टार में ब्रिक की एग्जांपल लेता हूँ, दो ब्रिक्स के बीच में मैं क्या डालता हूँ, मोर्टार डालता हूँ, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो एडेशन, जो बॉन्डिंग है, वो क्या होनी चाहिए, एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए, एडेशन बनानी चाहिए, ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए, ठीक है, गुड एडेशन बनना चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ आता है, इट शुड बी इजिली वर्केबल, इट शुड बी इजिली वर्केबल। अब ऐसा तो नहीं है, जैसे सपोज मैंने वेल ग्रेडेड यूज कर लिया, अगर कुछ इस तरह का यूज कर, उसकी वर्केबिलिटी को, अगर उसकी वर्केबिलिटी को मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना, तो मैं क्या डालूंगा उसमें, एडल्ट्रेंट डालूंगा, एडल्ट्रेंट। अब मुझे बताओ, जब आपने मोटार देखा होगा तो वो इतना हाई वर्केबल नहीं होता है, बहुत ही लो वर्केबल होता है, तो वर्केबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या डालते हैं, एडल्ट्रेंट डालते हैं। एडल्ट्रेंट मतलब क्या डालते हैं, फाइन एग्रीगेट डालते हैं, सैंड डालते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट इफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द अदर बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इसको किसी और बिल्डिंग कंपोनेंट के साथ जोड़ा जाए, जोड़ के बनाया जाए, तो उसकी जो अपनी ड्यूरेबिलिटी या बिल्डिंग कंपोनेंट की, उसको कम करे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू द मैसनरी। अब वो क्या कह रहा है कि जो पानी, अब ऐसा जो, अब जो मोटार, इंटो की फिर से एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज मैंने दो ब्रिक्स के बीच में मोटार डाला, ऐसा तो यहाँ से पानी मारूं और दूसरी साइड से बाहर आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो पानी की पेनिट्रेशन है, पानी की पेनिट्रेशन है, उसको भी क्या करना चाहिए, उसको रजिस्ट करना चाहिए। तो ये सब पर्पसेज हैं किसके, मोटार के, जो हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में होने चाहिए, मस्ट प्रोसेस, ऐसे होने चाहिए। तो ठीक है, अब आगे मैं एक टेबल कराऊंगा आपको, जिस टेबल में रेशियोज के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कौन सी कंस्ट्रक्शन में, अगर प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो क्या रेशियो यूज करनी चाहिए। आगे जो टेबल है उसमें से ऑब्जेक्टिव्स काफी ज्यादा बनते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, क्या आ जाएगा, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। ये क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ मोटार, ठीक है, टाइप ऑफ मोटार, कौन सा मोटार हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर पॉइंटिंग वर्क की बात करें तो पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है, पॉइंटिंग का मतलब ये होता है जो बाद में हम क्या करते हैं, जो गैप्स फिल करते हैं, ये क्यों करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो मुझे यहां पर किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। अगर मैं पॉइंटिंग करता हूं तो मुझे क्या चाहिए, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसमें रेशियो जो सीमेंट मोटार की यूज करते हैं कितनी करते हैं, 1:1:2 तक हम यूज कर सकते हैं। ग्राउटिंग इन कैवरियस रॉक, कैवरियस रॉक इसका मतलब है वो रॉक्स जिसमें बहुत ज्यादा कैविटी हो, वो रॉक्स जिसमें बहुत ज्यादा कैविटी हो, कैविटी मतलब बहुत ज्यादा क्या हो, गैप्स हो, ठीक है, वहां पे ग्राउटिंग करने के लिए हम सीमेंट मोटार, ये सीमेंट मोटार लिखा है, क्या यूज करते हैं, 1:1.5। अभी 1:1.5 का मतलब क्या, 1 क्या सीमेंट, 1.5 क्या है सैंड, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। थर्ड आता है डीपीसी या फिर पेमेंट कंस्ट्रक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, पेमेंट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मुझे यहां भी क्या चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए, मैक्सिमम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। डीपीसी का मतलब क्या होता है, डीपीसी मतलब प्लिंथ लेवल के ऊपर की जाती है ताकि सीपेज ना आए, प्लिंथ लेवल के ऊपर की जाती है ताकि हमारे पास सीपेज ना आए। तो इसकी रेशियो कितनी है, 1:2, सीमेंट मोर्टार की रेशियो कितनी है, 1:2, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लास्टरिंग गंटिंग मैसनरी वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। प्लास्टरिंग का तो पता ही है आपको, बाहर जो हम प्लास्टर करते हैं अच्छी व्यू के लिए, एस्थेटिक व्यू, मतलब अच्छी अपेयरेंस बन जाए बाहर की सरफेस, और ताकि पानी भी ना आए अंदर, तो इसके लिए भी मुझे सीमेंट मोर्टार की तरह 1:3:1:4, लाइम मोर्टार की बात करें तो 1:2। अब गंटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्राउटिंग, ग्राउटिंग बाय सीमेंट गन, ठीक है, ग्राउटिंग करना। जैसे हम कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, आपकी दीवारों पे क्रैक्स आ गए हैं, उस पर हम क्या करेंगे, अब मुझे सीमेंट मोटार बनाना पड़ रहा है, मोटार बना के मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी ग्राउटिंग फिल कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या मोटार यूज करता हूँ, 1:3:1:4। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में तो हमें क्या चाहिए, अच्छा खासी अपेयरेंस भी चाहिए और साथ साथ हमें स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए, तो वहां भी हम सेम यही यूज करेंगे। मैसनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर मतलब नीचे, ग्राउंड से नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे। अब वहां पे मुझे अपेयरेंस मेरा मैटर नहीं करता है, अपेयरेंस मेरे को मैटर नहीं करता है, तो मुझे कितनी सीमेंट मोटार कितना, 1:4:1:6। एंड नॉर्मल ब्रिक वर्क, अगर मुझे नॉर्मल ब्रिक वर्क करना है तो भी यही रहेगा, 1:4:1:6, और लाइम मोटार की 1:2:1:3, ठीक है। तो गाइज ये था एक टेबल जिसमें मैंने आपको पूरा बताया कि कौन सी रेशियो हम यूज कर सकते हैं क्या वर्क में। एक टेबल और मैं आपको बताऊंगा जो स्ट्रेंथ डिफाइन करेगा। तो गाइज नेक्स्ट टेबल अपने पास आता है, वो कह रहा है मोटार को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं बाय स्ट्रेंथ इन मैसनरी वर्क। जब हम उसका मैसनरी वर्क करते हैं उसमें भी हम क्लासिफाइड करते हैं, किस टाइप में क्लासिफाइड, ब्रिक वर्क में करते हैं क्लास वन ब्रिक, क्लास टू ब्रिक, ब्रिक को क्लासिफाई करते हैं ना, क्लास वन ब्रिक, क्लास टू ब्रिक, और उसकी जो मैसनरी को हम बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं, वैसे इसकी टाइप ऑफ मोटार में आता है H1, H2,
M1, M2, M3, L1, L2. तो इसकी स्ट्रेंथ है, देखो H1 जो है वो क्या, H मतलब हाई हो गया, ठीक है, M मतलब मीडियम हो गया, L मतलब लो हो गया, नाम से पता लगा H मतलब हाई, M मीडियम, L लो। H1 होगा तो मतलब 10 से ज्यादा, 10 न्यूटन पर एमएम स्केल से ज्यादा का जो स्ट्रेंथ चाहिए होगी तो हम कौन सा मोटर यूज करेंगे, H1। अगर 6 to 7.5 चाहिए होगी तो कौन सा यूज करेंगे, H2। अगर 3 to 6 चाहिए तो कौन सा यूज करेंगे, M1। अगर 2 to 3 चाहिए तो कौन सा यूज करेंगे, M2। अगर 1.5 चाहिए न्यूटन पर एमएम स्केल स्ट्रेंथ चाहिए तो M3। वैसे वैसे नीचे आ जाएंगे 0.7 तो मेरे पास L1, 0.5 तो मेरे पास L2। तो ये कुछ स्ट्रेंथ मैंने आपके सामने डिस्कस की है, टेबल जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। तो इसी के साथ आपका जो मोर्टार चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। जितना भी मोर्टार में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको सब करवा दी हुई हैं। आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगता जाएगा। अभी आप एक काम कीजिए, जैसे आप सीमेंट चैप्टर पढ़ते हो, सीमेंट पूरा पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद किसी भी गूगल पे सर्च कीजिए MCQs ऑफ सीमेंट, ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली आप वहां से आंसर करोगे तो आपको पता लगता है। अगर आपको गूगल पे नहीं करना है तो मेरी प्रीवियस मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं MCQs की, सीमेंट की, लग सारे BMC की मैंने कंप्लीट MCQs बनाए हैं, आप वहां से वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हमारे MCQs आते रहते हैं या डेली एक क्वेश्चन अपलोड होता रहता है, तो वहां पे जाके भी आप अपना कॉम्पिटिशन जो अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद लगी हो। तो अब किस वीडियो क्या करना है, लाइक कीजिए। देखो लाइक करने में कुछ नहीं लगेगा, बस एक क्या लगेगा, आपको सिर्फ अपने फोन से क्या करना है, क्लिक करना है। और सब लाइक करने में कोई बहुत बड़ा आपके कोई कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप प्लीज उसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।